गौशाला सेक्टर 45 में निर्जला काशी के एकादशी के दिन 500 तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। गौशाला में आए हुए गौ भक्तों को ठंडा मीठा जल एवं तुलसी के पौधे भेंट किए गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत का समस्त एकादशी में सबसे ज्यादा महत्व है। इस एकादशी में व्रत करने पर वर्ष की सभी एकादशी व्रत के समान फल मिलता है। निर्जला काशी श्रेष्ठ एकादशी होती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत में पांडवों में से भीमसेन ने निर्जल निराहार रहकर ये व्रत किया था। इस अवसर पर गौरी शंकर सेवा दल गौशाला में आए हुए सभी गौ भक्तों का वंदन एवं अभिनंदन किया। काशी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर गौरी शंकर सेवा दल की ओर से आप देख रहे हैं कि तुलसी के पौधों का वितरण जो है, जो सेवक यहाँ आए हुए हैं उनको तुलसी के पौधों का वितरण किया जा रहा है और गौ मंत्र अर्घ और मास्क और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फलाहार का प्रसाद है वो और पानी का वितरण जो है किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।